subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मैडम बेसिकली टोटल ओवरऑल मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, बिल्डिंग मेंटेन होत नहीं है, मेंटेनेंस से पैसे आमच्याकडून घेतले जातात पण प्रॉपर मेंटेनेंस बिल्डिंग से होत नहीं है, खूब अस्वच्छता है बिल्डिंग मध्ये, कॉरिडोर मध्ये लाइट्स पण नहीं है, फीमेल्स आर वर्किंग इन आवर ऑफिस और उनको भी आने जाने के टाइम पे दिक्कत हो जाता है। और मेजर कंसर्न जो है हमारा, मेरे रिलेटेड अगर मैं और मेरे दोस्त स्टाफ्स के लिए बात करूं, तो मेरे बाजू में जो बैठे हैं महेश सावंत है, मेरे को खुद को हार्ट का और बाय बर्थ पोलियो का प्रॉब्लम है, जिसमें मैं 80% अभी सीवियरिटी से चल रहा हूं, ऐसा मेरे पास में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है 80% है। और मैंने मेरा नेकेड बेयर फुट आपको दिखाया हुआ है टू प्रूव माय से अबाउट दिस। तो हार्ट के चलते ये तकरीबन 4 माला हम बोलते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फ्लोर होने के कारण तकरीबन हमको कम से कम 104 स्टेप्स ऊपर रोज चढ़ना है, रोज उतरना है, ये दिक्कतें आ रही है। हमारे इधर के एक फीमेल स्टाफ को अबॉर्ट मिसकैरेज हो गया उसका ये लिफ्ट के कारण, और ये सीरियस इशू है। और हमने टाइम टू टाइम सभी MIDC ऑफिस जो लोकमत में है, नीचे मेन ऑफिस उधर हमने स्केलअप किया है 2020 से। हमारे बाजू में जो 418 नंबर का यूनिट है, वहाँ की मैडम और मैं लगातार डेढ़ साल से कंटिन्यूसली हम लोग चेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को। हमने CEO को भी लेटर लिखा है, ईमेल्स लिखे हैं, हमारे HR ने PM ऑफिस को लिखा है, CM ऑफिस को लिखा है, लेकिन कोई भी एक्शन आज तक नहीं हुआ है। तुर्बे पुलिस स्टेशन में भी हम लोग ने बोल चुके हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तुर्बे पुलिस स्टेशन में इतना तक जाके बोला है कि अगर ये कैजुअलिटी मैं चढ़ते समय होता है तो सदोष मनुष्य वधाचा गुना का दाखल करण्यात येऊ नये। हा माझा एक सिंपल प्रश्न है, सदोष मनुष्य वधाचा गुना का न दाखल करता हो, का करू नये त्यांच्यावर, आणि कॅज्युअलिटी जर काय झाली तर MIDC त्याची भरपाई देणार का? मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 इयर्स से जॉब कर रही हूँ MIDC में, महापे में, और जब से हम आए हैं लिफ्ट की प्रॉब्लम तो रही है, कभी लिफ्ट चलती है कभी बंद हो जाती है, लिफ्ट के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। हफ्ते में आई थिंक एक दिन चलती है लिफ्ट एंड 4 डेज बंद रहती है, फिर उसे हमें बहुत बारी कंप्लेन देना पड़ता है, उसके बाद वो एक हफ्ते के बाद स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 1 वीक हमें चढ़ के ही ऊपर आना पड़ता है स्टेकेज से, और फिर एक दिन ठीक होती है फिर 4 दिन बंद हो जाती है। तो लिफ्ट की प्रॉब्लम तो सॉल्व एज सच हुई नहीं है जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा पुरानी लिफ्ट्स है, ऑलमोस्ट आई थिंक दे आर 20 ईयर्स ओल्डर लिफ्ट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देर इज़ वन लिफ्ट विच इज़ इन अ प्रॉपर कंडीशन, बट उसको भी कोविड में बंद कर दिया है
फ्रॉम द पास्ट टू ईयर्स, और अब उसको ठीक करने का डबल एक्सपेंस हो गया है. आई डोंट नो उसको बंद भी क्यों किया था. एंड है इशूज है, जैसे क्लेनलीनेस का तो बहुत ज़्यादा इशू है. वी आर पेइंग द मेंटेनेंस, स्टिल वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज. आई डोंट नो वाई दिस इज देयर. बाहर सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है. आप बाहर जाके देखिए, सारे वायर्स है बाहर ऐसे ही लटक रहे हैं. गलती से किसी ने हाथ लगा दिया तो कौन उसका जिम्मेदार है? कंपनी लेगी? कंपनी तो नहीं लेगी ऑफकोर्स जिम्मेदार, क्योंकि हम तो मेंटेनेंस भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इज लाइबल फॉर ऑल दैट. एंड इशूज बाहर, कैमरा भी अगर है तो कैमरा भी चलता नहीं है, लाइट्स है तो लाइट्स नहीं चलती है. इशूज तो बहुत ज़्यादा है. मॅम, सगळं पहिले तुमचं नाव सांगा आणि त्यानंतर तुम्ही इथे किती वर्ष झालं काम करताय आणि कोणत्या प्रॉब्लेमला तुम्ही फेस करता इकडे आणि काय इथे अवस्था आहे? म्हणजे आता जसं की तुम्ही सांगितलं, लिफ्टचं खूप प्रॉब्लेम आहे मोठा, तर काय सांगाल कशाप्रकारे प्रॉब्लेमला इथे फेस करावं लागतं तुम्हाला? बेसिकली माझं नाव वैभवी शाह आहे. मी HR मॅनेजर आहे इथे. ऑलमोस्ट सगळे एम्प्लॉईज रिलेटेड जे पण इश्यूज असतात ते एंड ऑफ द डे माझ्याकडे येतात. राईट फ्रॉम कंपनीमध्ये कोणाला पण हायर करायचं आहे किंवा कोण एम्प्लॉई सोडून जाते तर ते सगळे प्रॉब्लेम्स माझ्या इथे येतात. सो आय एम वर्किंग युअर, म्हणजे एक वर्ष झालं मला इथे ऑलमोस्ट काम करते. पण सिन्स आय हॅव जॉईन, मी एकच इश्यू इथे बघते जो आहे क्लेनलीनेसचा. हायजीन मेंटेन बिलकुल नाही आहे MIDC करून. आम्ही ऑफिस जेवढं आतमध्ये मेंटेन ठेवतो तेवढा अजिबातही बाहेर पॅसेजमध्ये किंवा कुठेही मेंटेन नसतो. आम्ही जे पण मेंटेनन्स असतो इट इज बीन पेड रेग्युलरली, पण तरी पण नथिंग इज वर्किंग आउट. आणि त्यामुळेच हे प्रॉब्लेम म्हणजे खूप जास्त होत चाललं आहे. इफ यू सी द क्लेनलीनेस झिरो आहे, लिफ्ट इज अंडर मेंटेनन्स सिन्स खूप वर्ष झाले. आणि त्याच्यामुळे आता इन द मीनवाईल, आता रिसेंटमध्ये माझ्याकडे एक रेझिग्नेशन आलं आहे ऑफ अ फिमेल एम्प्लॉई बिकॉज ऑफ मिसकॅरेज. तर ह्याच्याचमुळे एम्प्लॉईज सोडून जात आहेत, क्लायंट्स येत आहेत, तर इट इज नॉट गिविंग अ गुड इमेज आमच्या कंपनीच्याबद्दल. यु नो पी जे येत आहेत क्लायंट्स हे US कॅनडावरनं येत आहेत, तर अजिबातच चांगलं वाटत नाही आम्हाला तसं दाखवायला. लिफ्ट्स येत वर्क करत नाही. ऑलमोस्ट 105 स्टेप्स आहेत, तर 4th फ्लोअरपर्यंत यायला पण म्हणजे खूप प्रॉब्लेम होत जातात. तुम्ही याच काही प्रोजेक्टवरती काम करत असेल तर लाईट गेलं तर इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी निघून जाते, मग ते काय म्हणतो ना की प्रॉब्लेम्स होतात लोकांना. मग ते म्हणजे क्लायंटला काय सांगणार आम्ही ना, समोर काय इश्यू झाला तर मग ते थोडंसं म्हणजे प्रॉब्लेमॅटिक होतं आणि इम्प्रेशन खराब होतं आमचा. त्याच्यामध्ये चाहे वो पार्किंग हो गई, ठीक आहे, पीछे की रोड हो गई, वहां पे इतना गार्बेज है, इतना स्टिंक करता है, इतनी ज़्यादा गंदगी, चूहे वगैरह, ठीक है, मतलब आप वॉक भी नहीं कर सकते सही से. उसके बाद पीछे इतना ज़्यादा कीचड़ हो रखा है ना कि जो लोग पार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वो गिरते गिरते बचे, कितनी बार मैं बचाऊँ ये बचाए, ठीक है. तो इन सब पे भी काम देना चाहिए. बाहर की रोड है, सुबह ऑफिस आते हुए इतना जाम लग जाता है, कोई देखने वाला नहीं है. पिछले 6-7 महीने से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू ही है लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है, तो ये कब होगा? एक्चुअली येस, क्योंकि हम लोग जब शाम को निकलते हैं तो बिल्डिंग में भी कई बार लाइट नहीं होती है और लाइटिंग्स इतनी गंदी हैं कि आफ्टर 7 व्हेन यू आर लीविंग इट्स टोटली डार्क आउटसाइड. तो बाहर जाना आना और बिल्डिंग में से नीचे जाते टाइम कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती कि कोई हर फ्लोर पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, वैसा भी कुछ नहीं है. नीचे जाते में भी सिक्योरिटी रहती है नहीं रहती है. सो समटाइम इट्स नॉट सेफ, एंड एक्चुअली इट्स नॉट सेफ. लाइटिंग का बहुत इशू है. फिर हम कुछ पार्सल मंगा रहे हैं या फिर कुछ भी मंगा रहे हैं तो वो लोग लिफ्ट बंद होने की वजह से ऊपर आने के लिए भी रेडी नहीं होते, एंड कंटिन्यूसली 2 महीने से लिफ्ट बंद ही है. इट्स नॉट स्टार्टेड. देर आर मेनी सच प्रॉब्लम्स, लाइट का है और इसका है, प्लस वी आर फेसिंग. आज हम कॉरिडोर में घूम रहे थे, ये ऑफिस बिल्डिंग है तो इसमें एनिमल्स का आना अलाउड ही होना चाहिए. एंड आज ही हम तीनों वी वेर आउटसाइड एंड सडनली अ डॉग्स केम रनिंग फ्रॉम दैट साइड. वो ऑलमोस्ट हम लोग तक आ ही गया था. अगर हम उसे नहीं भगाते तो कैसे चलता? मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए ना. एनिमल्स आके अगर किसी को हार्म करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? MIDCC या संदर्भात कॉन्टॅक्ट केला असता त्यांनी माध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला आहे. ओरिजिनली स्कूलाल जयतपालचा प्रियोज बंसा रिपोर्ट, नवी मुंबई. सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज.